कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल करने पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के हथियारों से गांठ जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं और मुख्तार अंसारी ने कई बीजेपी नेताओं की हत्या की है। ऐसे में बीजेपी ने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिसमें बीजेपी के नेताओं के हत्यारे शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अपने फायदे के लिए और हमेशा अपने जैसे हमारी सरकार फिर 24 से बने उसके लिए लगातार गठबंधन कर रहे हैं और वे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है और उसी परिवार के लोगों ने उन्हीं के मुख्तार अंसारी ने आज किसानंद राय की हत्या कराई। उनके साथ सात लोग जो उनके कार्यकर्ता रमेश राय जो ब्लॉक अध्यक्ष थे मंडल अध्यक्ष थे श्याम शंकर राय जी पटेल जी मुन्ना पटेल मुन्ना यादव जो लोग उसमें सात लोग मारे गए थे पुलिस का जवान भी शहीद हुआ था उनके हत्यारों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने ये गठबंधन किया है। उस ओम प्रकाश राजभर के वो विधानसभा के सदस्य हैं भारतीय समाज पार्टी के और उस गठबंधन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की के हत्या में जिनका नाम है नंदकिशोर रुंगटा नंदू बाबू जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद की वो हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम है और उस मुख्तार अंसारी उनके बेटे की पार्टी से आज ये जो है भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और मोदी ने आज उनके साथ गठबंधन किया। वहीं अजय राय ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए मुख्तार अंसारी का सहारा लिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी ने मुख्तार अंसारी को फायदा पहुंचाने के लिए गठबंधन किया है। बीजेपी आगामी चुनाव में मुख्तार अंसारी से मदद लेगी और इसके बदले में मुख्तार अंसारी पर जितना भी शिकंजा कसा गया है वह सब खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसीलिए सारी चीजें चली रही है कि चेहरा ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, पीछे मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के अंदर खाने में मदद होगी और उससे आगे 2024 में मुख्तार अंसारी अब्बास अंसारी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी वोट का बिखराव करेगी और चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। मुख्तार को इससे क्या फायदा होगा? अरे मुख्तार का फायदा, इतनी कार्रवाई यहाँ हो रही है, ये दिखावटी है, अब धीरे धीरे अंदर खाने में सारी चीज़ें रुक जाएंगी। जैसा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही है तो उसका एक पार्ट मुख्तार अंसारी और उनके उनका बेटा और उनका पूरा भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो पूरी तरीके से उनके लिए काम करेगी। गौरतलब है कि विगत दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुलाकात की और उसके बाद एनडीए के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन किए जाने का ऐलान हुआ। दोनों दलों के गठबंधन के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर निशाना साध रहा है।